हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन ब्रांड सोडा मशीन चैनल में। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिखाए हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी रोज़ नई नई प्रोडक्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे हमारी नई प्रोडक्ट के बारे में। ये दोनों फ्लेवर रेडी हो गए, अभी आप देख सकते हो दोनों फ्लेवर रेडी हो गए, चॉकलेट और वेनिला दोनों रेडी हो गए कंप्लीट। अब हम मशीन को वॉश करेंगे। ऑपरेट करने के पहले थोड़ा इजी वॉश कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ये डिस्प्ले हम निकाल देंगे तो आपको अच्छी तरह दिखेगा कैसे वॉश होता है इसको। इसके दोनों बाउल है, बॉटल है, इसको पानी डाल के अपने वॉश कर लेंगे पहले इसको दोनों को। इसका ड्रेनेज है तो वेस्टेड होता रहता है, इसमें जाता है ड्रेनेज, तो इसे इंस्टॉल कर देना है यहाँ पे। अब मशीन को अपने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट का स्विच दिया गया है, बटन दिया गया है, ये मशीन अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्लीन का बटन है, जो क्लीन का ऑप्शन दिया गया है, क्लीन करके एक क्लीन करके बटन दिया गया है, इसको अपने पुश करेंगे जिससे क्लीन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे क्लीन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी ये क्लीनिंग मोड में है मशीन, जल्दी जो है अभी इसमें से हम लाइन क्लियर कर लेते हैं दोनों साइड का। हो गया, अभी इसका ग्रीन का बटन अपने बंद कर देते हैं, क्लीनिंग स्टॉप कर देते हैं इसको। जितना इसके अंदर वाटर रहा है इसको सब अपने रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं सर, वेस्टेज जाने दो इसको, जगह को अब इसमें आप फ्लेवर रिफिल करेंगे। ये चॉकलेट का फ्लेवर है जो आपने रेडी किया था, और अपने इसके अंदर फिल करेंगे बाउल में।
ये वेनिला का फ्लेवर है, दोनों बाउल को अपने रख देते हैं। इसको अपने इसको मशीन को ऑपरेटिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अभी इसको इसके पूल के लिए इसका कंप्रेसर स्टार्ट कर देते हैं। पूल का ऑप्शन दबाने से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा इसका। और यहाँ पे प्री कूलिंग करके, प्री कूलिंग मतलब ऊपर का जो कंप्रेसर रहता है दूसरा कंप्रेसर, वो स्टार्ट होता है प्री कूलिंग में। अपने अभी फिलहाल प्री कूलिंग को भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्री कूलिंग स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो ये डिस्प्ले में प्री कूलिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अपने हार्डनेस सेट किया है, 4 के ऊपर हार्डनेस किया है क्लियर अपने। और ये यहाँ पे हार्डनेस है 2.9 है, ये जब 3.5 आएगा तब आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। कितना आपको आइसक्रीम सॉफ्ट करना है, कितना हार्ड करना है, कितना आइसक्रीम का क्वालिटी ठीक करना है, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। ये अभी 2.9 पे ऑपरेटिंग है इसका, ये जब भी यहाँ पे 3.5 या 4 पे आएगा इसलिए पूरा आइसक्रीम रेडी मेक हो जाएगा इसका। जैसे ही 4 के ऊपर अभी हमने सेट किया है, तो जैसे ही 4 के ऊपर आएगा ऑटो कटआउट हो जाएगा। आप इसको सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हो, 4 के ऊपर सेट करना है। अगर आपको आइसक्रीम और हार्ड चाहिए और ज़्यादा हार्ड करना है तो आप इसको यहाँ से इसको ऑप्शन करके 4.1, 4.2 ये इसको सेट करके आप ले जा सकते हो, मैक्सिमम 6 तक ले जा सकते हो इसको। ये 6 पर तक जाएगा मैक्सिमम। अभी हम इसको 4 के ऊपर सेट करके रखते हैं रेगुलर में। ये प्री कूलिंग का टेम्परेचर है, अंदर कितना टेम्परेचर है 19 सेल्सियस है, ऊपर की टैंक का टेम्परेचर वो बताता है। यहाँ पे वोल्टेज बताता है कितना वोल्टेज है। यहाँ पे काउंट बताता है कितना कौन काउंट हुआ है, कितना अभी तक कौन निकला हुआ है। बस अभी हमने इसको कूलिंग में रख दिया है, अभी 15 से 20 मिनट के बाद ये आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम के लिए आपको इतना टाइम देना है, एक बार वो रूटीन में आ गया वर्किंग देना है, फिर इसको टाइम नहीं देना है आपको। अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आइसक्रीम हम रेडी आपको सर्व करके बताएंगे। अभी हो गया है, इसमें आइसक्रीम कंप्लीट हो गया है। अभी 3.8 पे आ गया टेम्परेचर इसका, 3.8 पे। ये 15 मिनट के बाद ये आइसक्रीम कंप्लीटली रेडी हो गई है। अभी जितना टेम्परेचर चाहिए उतना आ गया इसके अंदर। अभी हम आपको इसका आइसक्रीम निकाल के बताएंगे इसका। ये मिक्स में निकालेंगे अपने, चॉकलेट और वनीला मिक्स है। देख सकते हैं आप पूरा, ये चॉकलेट वेनिला मिक्स है, तो सिर्फ ये अभी हम इसमें कप में निकालेंगे, एक कप है, इसमें सिर्फ वेनिला निकालेंगे अभी। ये वेनिला है, सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट ही आइसक्रीम है, पूरा सॉफ्ट है। आप आइसक्रीम का क्वालिटी देख सकते हो, पूरा ये पूरा सॉफ्ट आइसक्रीम है, आप देख सकते हो पूरा पूरा सॉफ्ट आइसक्रीम है। जरा भी आइस का आइस 0% आइस है इसके अंदर, थोड़ा भी आइस नहीं है, पूरा मिल्की बनाया हुआ आइसक्रीम है। और मशीन के अंदर एयरकॉन सिस्टम रहता है जिसके हिसाब से इसके अंदर एयर भरा हुआ है। अपने ओनली चॉकलेट निकालेंगे, ये चॉकलेट है, हम देख सकते हो पूरी क्वालिटी।
ये मशीन स्टार्ट ही आप देख सकते हो पूरा। और मशीन के साथ हम एक कॉन का बॉक्स रहता है, जिसका कॉन रहता है, कॉन देते हैं 500 पीस कॉन रहता है इसके अंदर बॉक्स के अंदर। हम मशीन के साथ ये चार बॉक्स फ्री में देंगे, 2000 कॉन आपको मशीन के साथ फ्री में देंगे और 2000 कॉन निकले उतना मटेरियल फ्री में भी देंगे आपको। उसका आपको जो हमने पाउडर पैकेट बताया था, जो मैंने आपको ऐसा पाउडर कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का आपको वीओ फ्लेक्स कंपनी का हम आपको पाउडर फ्री में देंगे मशीन के साथ में। 2000 को आप जब तक सेल नहीं करते हो कप या कौन, तब तक आपको ये पाउडर भी लेने का जरूरत नहीं है। मशीन के साथ हम आपको मिक्सचर भी फ्री में देंगे, जो फ्लेवर मिक्स करने के लिए आपको मिक्सचर रहेगा ये भी मशीन के साथ आपको टोटली फ्री में मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा। मशीन के साथ आपको इसके जो फ्लेवर अटैचमेंट बाउल है ये सब भी सामान फ्री में मिलेगा आपको, हर एक चीज फ्री में मिलेंगी। और ये मशीन का वाइसर्स और सब रहता है, किट रहता है इसका, जो मशीन में अगर बाई चांस कोई फॉल्ट आता है छोटा मोटा तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका सब बाउल अटैचमेंट है और मैनुअल से इसका आप मैनुअल भी देख सकते हो उसका इजीली, कोई भी तकलीफ पड़ता है कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो आप इसका मैनुअल देख सकते हैं, या आप हमारी कंपनी की सर्विस टीम को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कल सुबह को आपको फॉल्ट या कोई दिक्कत आए तो हमारी सर्विस टीम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको टोटली पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमारी मशीन में एक और सिस्टम है, आप ये मशीन हमारी स्टेबिलाइजर के बिना ऑपरेट नहीं होगी, वर्किंग नहीं होगी, क्योंकि कोई जगह पे वोल्टेज हाई रहता है कई जगह वोल्टेज लो रहता है, जिसकी वजह से इसका कूलिंग प्लांट या बाकी सब चीजों पे फॉल्ट रहता है। तो इसकी वजह से आपको इसके अंदर हम मशीन के साथ स्टेबिलाइजर सिस्टम फ्री में देंगे, 5 kW 5 kV का स्टेबिलाइजर है। आइए हम आपको दिखाते हैं स्टेबिलाइजर इसका, ये देखिए स्टेबिलाइजर है इसका, 5 kW का स्टेबिलाइजर है, हम ये मशीन के साथ आपको फ्री में देंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है आपको, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है आपको। और ये आप पूरी मशीन की क्वालिटी देख सकते हो, पूरी स्टेनलेस स्टील की मशीन की क्वालिटी है पूरी। आप पूरी क्वालिटी देख सकते हो, फुल्ली स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है। और ज्यादा कोई आपको डिटेल जानकारी या कुछ भी चाहिए आप हमारी कंपनी के दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मशीन के ऑर्डर्स के बारे में या कोई जानकारी आपको देनी है तो उसके बारे में आप कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज हमने लिखाई हुई है कंपनी का डिटेल्स है, कंपनी का वेबसाइट है, कंपनी का मोबाइल नंबर है, कंपनी का लोगो, हर एक चीज यहाँ पे दिखाई गई है, वो आप कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट हमारे को कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारी दूसरी कोई नई प्रोडक्ट जैसी आएगी हम उसका वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जैसे कि शुगर कैन मशीन है, फिर आइस क्यूबर है, आइस क्यूब बनाने की मशीन रहती है, स्लश मशीन है, जूसर मशीन है, ऐसी नई नई प्रोडक्ट हम आगे लॉन्च करने वाले हैं तो हम उसकी भी आपको जानकारी धीरे धीरे देते रहेंगे। अभी के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपको हमारी ये प्रोडक्ट कैसी लगी या कोई और सजेशन देने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दे सकते हैं। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया।